चुटकी हो गई मैं एंड वी आर जस्ट रेडी टू गो दादा माय मम्मी विल क्राई एट चंदगर स्टेशन नमो कर लोग की मार कर तुम सोना की है हमारा नहीं है बैग बैग सब हटा ले वहां से। हाय गाइस गुड इवनिंग एंड अगेन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैवल ब्लॉग। हाय गाइस गुड इवनिंग एंड अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ट्रैवल ब्लॉग सीरीज। सो आज है जर्नी स्टार्ट। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं अपनी ट्रैवल में क्या क्या लेती हूँ, ट्रैवल बैग में क्या क्या होती है, पाउचेस में क्या क्या होती है। आज की वीडियो में मैं अभी से स्टार्ट करके जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं पहुंचने तक मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। फिलहाल मैंने पिछली ब्लॉग में कहा था कि मैं इस ब्लॉग में डिस्क्लोज करने वाली हूँ कि मैं कहाँ पे जाऊंगी, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑलरेडी आप लोगों ने टाइटल पढ़ के थंबनेल देख के शायद पता कर लिया होगा, अगर नहीं पता है तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहो। अभी बजा है तकरीबन 9:15 रात के और बस अभी अभी आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा था कि बिस्तर वगैरह की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है। यहाँ पे हमारी जो भी बैग्स वगैरह है उसको मैंने ले लिया है, यहाँ पे हमारी ड्रेसेस रेडी है, यहाँ पे हमारी जो सूटकेसेस है वो भी रेडी है, यहाँ पे पापा है बैठे हुए, यहाँ पे हमारा पिकलू है जो कि अभी छोला आए, मेरा गोलू सा बच्चा, मैं बच्चे को मैं 3 दिन 4 दिन नहीं देख पाऊंगी, मेरा नंटू, मेरा शोंटू, मेरा गुंचू और नोनी है नीचे, उसको मैं बाद में थोड़ा सा प्यार दे दूंगी। अभी मम्मी ने खाना दे दिया है और खाने में है, हम लोग एक्चुअली में ले भी जा रहे हैं खा भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे है थोड़ा सा पनीर और रोटी, वो अभी ने अपना खाना ख़त्म कर लिया है तो वो अभी रेडी होगा एंड मैं जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करूँगी उसके बाद रेडी होऊंगी। मैं जब नीचे गई थी मैंने टेस्ट किया था, बस थोड़ी सी नमक मुझे ज़्यादा लगा, अदरवाइज बहुत अच्छा हुआ खाने में, तो इसको भी हम लोग पैक भी कर डालेंगे। तो फिलहाल चलो जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद रेडी होने के टाइम पे मिलते हैं एंड इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडियाज, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फाइनली विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। खाना कंप्लीट कर लिया है, अभी जाना है वॉशरूम में। थोड़ी सी प्रेशर आ भी रही है टेंशन की वजह से, लेकिन कुछ नहीं होगा ये भी मुझे पता है। थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि अगर इस टाइम पे नहीं होगा, बहुत उल्टा सीधा मैंने खा लिया तो रात में जाकर ट्रेन में प्रॉब्लम होगी। तो जब तक बॉबी रेडी होता है मैं जल्दी जल्दी थोड़ी सी वॉशरूम जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ एंड देन आती हूँ, रेडी होती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। 5 minutes later तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी हो चुकी हूँ रेडी। मैंने इस पैंट को आप यकीन नहीं मानोगे डबल एक्सल और एक्सल साइज में लिया था, लेकिन ये मेन सेक्शन से वो भी, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा टाइट लग रहा है मुझे, थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल नहीं कहूँगी, लेकिन जो मुझे चाहिए था एकदम ढीला डाला वो नहीं हुआ। तो मैंने ऑलरेडी बालों को बांध लिया है क्योंकि रात में हम लोग जाएंगे, ऐसा सच कुछ करना नहीं है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे लगाऊंगी मेरी फेस में मॉइस्चराइज़र, क्योंकि वरना फेस बहुत ज़्यादा वो रफ हो जाएगा। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे ताकि स्किन बस ठीक ठाक रहे एंड जाते वक्त मुझे मुझे और भी थोड़ा सा मेडिसिन भी लेना है तो टाइम भी लगेगा। एंड मैं यूज़ करूँगी ये एरिडिका बीटरूट लिप एंड चिक टिंट ताकि ऐसा लगे कि मैं पड़ी हूँ, मेरी गाल नेचुरली लाइट है, लाल है सॉरी, ऐसा ही कर देना है। शायद हमें श्यामनगर तक चुटकी हो गई मैं मैं थोड़ा सा चुटकी हो गई गाइस, मुझे तो पूजा बनने दो, शायद मम्मी पापा छोड़ने जाएंगे। बाबा गालटा मुझे तो कुछ चोर में रहे तो लाल लाल था शायद पे, बाबा मेरी तो गाल तो की लाल, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। बैग को लूँगी, मैंने साइड में ही घड़ी एंड मेरी हेडफोन को रखी थी क्योंकि मुझे पता था कि जाते वक्त मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी और लेट हो जाएगा। इसको ले रही हूँ, इसमें मेरी सभी इक्विपमेंट्स जा रहे हैं एंड या वी आर जस्ट रेडी टू गो। अगली इधर पे है ताकि मैं का ब्लॉक चल रहा है, मैं बहुत बुलबुल हिंदी बोल देता हूँ। टाटा यहाँ पे पापा को टाटा कर दिया, मम्मी का भी ब्लॉक चल रहा है शायद। आज पिगलू के अम्मा इन लोग साथ में था पर जुजु को ना नमो कर भी ना पिगलू नमो को चमाता मोटा कर दिया। आज माय मम्मी विल क्राई एट चंदगर स्टेशन। नमस्कार
সাবধানে থাকবে, কাউকে দুষ্ট করবে না, লক্ষ্মী মা হয়ে থাকবে আমার, ঠিক আছে বাবা, কাউকে জুজু করবে না। আমার পোতো, আমার পোতো, আমার ঝিকিনিকি। একটা কাপ রয়েছে, কি বলে, নুডলসের, ওটা কেন? ওটা নেবো না কেন? চারটে অলরেডি নিয়েছি আর ওটার প্রয়োজন হবে না। সঙ্গে থাকলে খুব ক্ষতি না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ক্ষতি হবে, আর দরকার নেই। তুমি এটাকে এটার ভেতরে ঢুকিয়ে দাও। নিকল রে চলো এরা আমি ধরে আই টাটা নেঙ্গু পেঙ্গু চল একটু মন খারাপ হচ্ছে, একটু আমার মন খারাপ হচ্ছে, দিদিভাই যাচ্ছে বাড়িতে থাকে, ইয়ে জব ভি মে ঘর পে রহতি হু, ইয়ে কবি মুঝে পুছতা ভি নাহি হ্যায়, अभी जब जा रही हूँ पीछे पीछे, मैं तो सुबह से घूम रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो है। और हमारा ट्रेन सियालदा से है 10:20 में, यहाँ पे ट्रेन आने वाला है 10:60, यहाँ से सियालदा जाने तक तकरीबन एक घंटा लगता है सब कुछ जैम वगैरह क्लियर करके। जैम इन द सेंस क्या, जब सियालदा स्टेशन में ट्रेन घुसता है तो उससे पहले ना थोड़ा सा टाइम वो लोग लेते। हम लोगों ने इतना लेट कर दिया एक लड़की की चक्कर में कि अभी जाके हम लोग सोचे। और एक चीज़ मतलब गलती हम लोगों से हुई कि जब हम लोग यहाँ पे आने वाले थे उससे पहले हम लोगों ने यहाँ का टाइम टेबल नहीं देखा कि किस टाइम पे ट्रेन है, कब तक पहुंचेंगे। तो बीच में एक आधा घंटे का गैप हो गया, तो आधा घंटे का गैप इन द सेंस आप मान लो तकरीबन 6-7 स्टेशन हो ही जाता है, तो 10 स्टेशन बस यहाँ से वहाँ है। तो अभी बस हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे अराइवल होगी 11:15 में, हमारा ट्रेन है 11:20, तो बस हम लोग सोच रहे हैं कि बस कोच पकड़ पाए, इसी में चल जाए एंड फिर होपफुली ठीक हो जाएगा। ये सब लोग मुझे ब्लेम करें, आई थिंक सामने है B2 है, मतलब बहुत आगे चल के जाना होगा होपफुली, पता नहीं है क्या है। तो अगर वो चीज़ होता है तो ये लोग मुझे ब्लेम कर रहे थे कि तुमने इतना लेट किया, तो हाँ सच्ची में मेरी गलती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मेरी गलती नहीं है, लेकिन अभी हो गया है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि अगर नहीं होता है तो हम लोग वापस चले आएंगे, 7,000 रुपया टोटल 8, ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, 8, फिर उसके ऊपर इतना सारा शॉपिंग ऑलरेडी कर लिया है तो वो भी चला जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये मन खराब है, बस हो गया मम्मी का। चढ़ जाए उसके बाद मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि फिलहाल बहुत ज़्यादा रश में है, बहुत टेंशन भी हो रही है, पेट में वो एक सब कुछ लाइक ऐसा हो रहा है, एंड बॉबी तब से ट्रेन को धक्का दे जा रहा है कि चलो चलो चलो। तो देखते हैं क्या होता है, मिलती हूँ आप लोगों से डायरेक्ट ट्रेन में, एंड इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। सो प्लीज़ प्रे कर लो यार ताकि पहुँच चले, आप जब तक प्रे करोगे तब तक हम घूम फिर के आ भी चुके होंगे, बट स्टिल बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। आपको हो रही है टेंशन? वो देखो अभी एक ही टेंशन हो रहा है कि भगवान के पास मैं एक ही चीज़ मांग रहा हूँ कि ट्रेन बस रुके ना, क्योंकि सियालदा गुजरा है तो इसके अंदर रुकता है, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो
मत रुको मत रुको चलो, और सब फोन कर रहा है मुझे। और एक चीज मैंने इससे कहा कि अगर ये ट्रिप कैंसिल हो जाता है बाई एनी चांस तो हम लोग ना हेलो बस लेके दीघा चले जाएंगे। फिर से क्या होता है क्या होता है। सो बस होपफुली सो फाइनली अभी बज रहा है तकरीबन 11:28 एंड गेस व्हाट, हम लोगों ने ट्रेन पकड़ लिया है। हम लोग शियालदह स्टेशन में कब तक आए थे? 11:10 विद इन 11:10 तो भागते भागते फिर यहाँ पे आए, फिर बीटू में आए। बीटू इतना दूर पड़ा मतलब जहाँ पे हम लोग उतरे थे वहाँ से यहाँ तक आते आते तकरीबन 7 से 8 मिनट लग गया। फिर पहुँचे, फिर सब कुछ हो गया। ये इसका बर्थ है, ये मेरा है। तो अभी एक अंकल वहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम लोग खाना खाएंगे फिर उसके बाद सो जाएंगे। तो अभी जाते वक्त और कुछ शेयर नहीं लाया थे और तुम कुछ बोल रहे थे ये दीघा जा रही थी। हाँ मैंने कहा था कि अगर ये ट्रिप कैंसिल हो जाता है हाँ तो हम लोग दीघा चले जाएंगे। घर तो मैं वापस नहीं जाऊँगी क्योंकि 4 दिन का छुट्टी मिला है, छुट्टी तो नहीं गवाना। तो मैंने कहा था कि हम लोग दीघा चले जाएंगे। फिर मैंने इसको प्लान दिया कि स्प्लैनेट जाएंगे फिर वहाँ से सिलीगुड़ी का शायद बस निकलता है। हमने ये भी बोला था कि अगर शियालदह में तो गाड़ी तो रुकता है ना, अगर रुक जाएगा तो हम लोग उधर जाएंगे ट्रॉली लेके। हम कितना डेयरिंग है समझो। हाँ इसने कहा था कि रेल लाइन मतलब पटरी पे चलते चलते हम लोग फिर स्टेशन में आएंगे। एंड इतना अच्छा लक आज काम किया, हमारा स्टेशन था ये वाली जो ट्रेन छूटी है वो हमारा ट्रेन था, ट्रेन 12 में था और नहीं 11 में, और हमारा ट्रेन घुसा था 11 में। तो ज्यादा चलना भी नहीं पड़ा, बस यू टर्न ऐसे लिया, भागते भागते बीटू में आए फिर चढ़ गए। 12 o'clock midnight हम लोगों ने सोचा था कि सिर्फ और सिर्फ पनीर और रोटी मिलेगा, लेकिन अलग से सरप्राइज मिल गया विच्चिस चिकन जो कि हम लोगों ने आज दोपहर को बाबा जो कि आज हम लोगों ने दोपहर में खाया था। इट स्मेल्स सो अमेजिंग। अभी हम लोग बस धीरे धीरे से खाएंगे। माँ ने यहाँ पे 6 रोटी दे दिया है तो मैं इससे कह रही थी कि अभी पूरी ट्रेन की लोगों को खिलाते खिलाते जाएंगे। इसने कहा कि मैंने मतलब मैं खा लूंगा 3 रोटी इधर 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 आ जाएगा। किधर आ जाएगा इधर और कितना मोटा हो गया। सबसे लेटेस्ट एक चीज़ हुआ आया, मैंने कहा कि ये वाली बर्थ और ये वाली बर्थ हमारा है मतलब 9 और 12। सडनली मुझे कह रहा है कि ये तो हमारा मतलब वो तो हमारा नहीं है, बैग बैग सब हटा ले वहाँ से। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विथ यू लाइक ऑलवेज, ये हमारा है ये हमारा है, जो बैठेगा बैठेगा लेकिन सोने के टाइम पे जब सब लोग चले जाएंगे फिर हम लोग सो पाएंगे। ओके इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ना तो गलती हो जाती है। वैसे मत क्या कर ऐसे गलती, अभी तू ऐसे बोलेगा कोई आके बोलेगा कि हाँ ये हमारा ही बर्थ है फिर हम लोगों को ही उठा देगा यहाँ से। हेलो सर आप इतने मोटे दिमाग के हो क्यों? शरीर का भी हो दिमाग का भी हो जाता है कभी कभी। सो खाना खाने के बाद मैंने पिया 1 कप ब्लैक कॉफी और अभी वो सेम कप में पी रहा है या फिर ग्रीन टी। रहे थे पानी का बॉटल लेना था, हमारा पानी खत्म है। हाँ पानी का बॉटल लेने उतरे थे पर सिग्नल हो गया अभी छोड़ देगा तो नहीं हुआ, पानी अभी नहीं है। तो अभी बज रहा है तकरीबन 1:45 और ये अभी गया है वॉशरूम में। मैं आई हूँ थोड़ी सी फ्रेश होने के लिए, ज़्यादा तो साफ है नहीं पर फ्रेश होकर हो जाना है। ट्रेन रुका है बोलपुर पे तो वॉशरूम पे हम गए थे पर ट्रेन का जो जार्किंग है ना उसमें बहुत डर लग रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे थे उठे आचे तो बोलपुर पे रुका है और ट्रेन वॉशरूम में गई थी तो अभी आ गई है। बोलपुर पे रुका है अभी बोलपुर में। हाँ पेटा ना बैठा बच्चा हाँ पालक पनीर खाए थे ना इसलिए तो पालक हम मार भी नहीं सकते, पालक पनीर निकलेगा सभी जगह। लेकिन सच्ची में हमारे साथ मतलब कुछ दादा भी है वो लोग इतने अच्छे हैं तो प्रॉपर तरीके से गाइड कर लिया था हम लोगों ने। जब लाइक घर से हम लोगों ने ठीक किया था कि यहाँ से हम लोग कहाँ से गाड़ी लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा तो थोड़ी सी टेंशन में थे। ठीक है तो फाइनली आप लोगों को मैंने अभी तक नहीं बताया कि हम लोग जा कहाँ रहे, पहले उतर जाए फिर बताएंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे दादा थे जो कि मीटिंग की वजह से यहाँ पे आए थे कोलकाता में। उन लोगों ने कहा कि तुम लोग टेंशन मत लो, हमारे जान पहचान के बहुत सारे हैं तो उन्होंने ही मतलब सब कुछ ठीक कर दिया है, जब उतरेंगे उन लोगों के साथ ही उतरेंगे। अपनी तो काम कर रही है उसका थोड़ा सा एडिटिंग और थोड़ा ब्रांड का लिए काम था तो ये काम कर रही है। मैं सॉन्ग सुनता हूँ, सॉन्ग सुनते सुनते काम कर रही है तो अभी कुछ शेयर करने लायक कुछ नहीं है
तो डायरेक्ट हम आते हैं एकदम सुबह को। तो अभी के लिए गुड नाइट टाटा बाय। गुड नाइट कह दो। गुड नाइट बोलो भाई। ना चलो टाटा, कल तो सकाल तक हम चल, कल मॉर्निंग में मिलते हैं भाई। ओ बात करो ना। तो अभी ये सो रहा है यहाँ पे, मतलब सेकंड बर्थ पे, एंड नीचे मैं सो रही हूँ। ये वाली जो बर्थ थी हमारी, वो हम लोगों ने एक दादा को दे दिया। आई वाज लाइक ये अगर दो एक साइड पे रहेगा तो अच्छा होगा, बैठ पाएंगे हम। हाँ जाओ सोने जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजा है तकरीबन मॉर्निंग के 8:30, ठीक है। और बस कुछ ही देर पहले मैं उठ गई थी, उससे बहुत पहले ये उठ गया था। गुड मॉर्निंग बोलो ज़रा। गुड मॉर्निंग गाइस। शायद आपको मेरी वॉइस इतना भी क्लियर या तो फिर बहुत ज़ोर से सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि कल रात, मतलब जब तक हम लोग नहीं सोए थे तब तक एसी का जो टेम्परेचर था वो ठीक था। एकदम रात में इतना कम कर दिया गया ना, तो उसकी वजह से ठंड लग गया मुझे। तो बस अभी अभी हम लोग वॉशरूम वगैरह होके आए, थोड़ी सी अभी चाय पियेंगे। प्रॉब्लम बस एक हो रहा है, मुझे प्रेशर आ रहा है, इसको भी आ रहा है, लेकिन किसी को भी जाना नहीं है। वो एक चीज़ को लेकर हम दोनों ही डर रहे हैं। एंड आप लोग यकीन नहीं मानोगे, बाहर का नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं आप लोगों को अभी, मतलब इसके, मतलब बोलने के बाद ही कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाऊंगी। इतना अमेजिंग लग रहा है। और बस एक घंटा ही बाकी है हम लोगों को उतरने में, बस उतर जाऊंगी एंड देन रिवील भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसका हिंदी सुन के मुझे कभी कभार, मैं हिंदी भूल जाती हूँ, लेकिन मुझे सच में कॉफ़ी, मतलब पीना भी है अगर ब्लैक कॉफ़ी होता या तो फिर कोई भी शुगर लेस कुछ होता तो अच्छा होता, लेकिन एक ही चीज़ का डर है कि इसे खाने के बाद प्रेशर तो आएगा, उसके बाद क्या करेंगे मुझे नहीं पता। यहाँ पे फाइनली खाने को लिया हमने ये फ्रूट केक विंकीज का, ये हम लोग खाएंगे। तो अभी अभी बस पता चला कि हमारा जो ट्रेन है वो ऑलमोस्ट एक घंटा लेट हो गया है। तो इस टाइम पे हम लोग उतरने वाले थे, लेकिन इस टाइम पे अभी हम लोग ट्रेन में ही है। उतरते उतरते तकरीबन 10:30 बज जाएगा। और कल रात में आप लोगों को जिन दादा के बारे में बात कर रही थी कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे तरीके से लाइक उन्होंने मैनेज किया कि तुम यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर वहाँ से वहाँ जाओगे, मतलब सब कुछ हो जाएगा। इन सभी दादा के बारे में बात कर रही थी। सबाई हाय करो दादा, तू हाय हाय, तुम्हें कहो तो हाय। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उतरेंगे एंड उतरने के बाद फिर वहाँ से जाएंगे जंक्शन। मैंने ऑलरेडी और एक बस, यू नो क्या कहते हैं, स्टैंड वगैरह जहाँ से बहुत सारे बस निकलते थे, तो वहाँ पे भी फ़ोन किया था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि मैम हमारा 8 तक बुकिंग होता है। इज़ लाइक कि फिर वहाँ पे नहीं होगा, कहता है मैम आप प्लीज़ जंक्शन से देख लो, मेरा बस शायद वहाँ पे भी हो सकता है, अगर नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो फिलहाल क्या, अभी जर्नी है, उतरेंगे फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बस पे चलती हूँ और इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। फाइनली हम लोग आ चुके हैं एंड दिस इज़ द मोमेंट ऑफ द ट्रूथ व्हेन आई एम गोइंग टू रिवील कि हम लोग फाइनली कहाँ पे आए हैं। सो बेसिकली नाउ वी आर एट NJP लाइक न्यू जलपाईगुड़ी एंड यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं घर जाएंगे ना गैंगटॉक। तो चलो आज की ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आगे का ब्लॉग देखते रहो एंड डेफिनेटली अगर ब्लॉग पसंद आए देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द इस सीरीज की नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। Thank you.